हेलो डियर्स, एक बार फिर मिशन है नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट आपने देख चुका है, अभी अपन सेकंड पार्ट का डिस्कस करते हैं। अगर अभी आप वीडियो 15 जून के बाद में देख रहे हो तो ऐसे ही फोर्थ ऑप्शन के साथ में कंप्लीट पेपर मिशन है नर्सिंग नोट्स ऐप पर अवेलेबल है। इसके अलावा अगर आप नोरसेट 5 की तैयारी करने जा रहे हो तो थोरी के लिए मिशन परिसारी का बुक ले सकते हो। जैसा कि आपको दिख रहा है कि एक ही पेज से 3 क्वेश्चंस, दूसरे पेज से 4 क्वेश्चन, पेपर का लेवल कैसा भी आए, थोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो पेपर सोल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, रटे रटे क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आप थोरी के लिए मिशन परिसारी का बुक ले सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर्स का पेपर आपको देखना है तो मिशन ओल्ड पेपर ले सकते हो, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी रिपीट भी हुए हैं तो वो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगा। और इसके अलावा आपको रैपिड रिवीजन के लिए बुक्स अवेलेबल है, एक कंप्लीट नोट सेट के लिए पैकेज अवेलेबल है। तो अभी अपन क्वेश्चन की तरफ डिस्कस करते हैं। यू आर डूइंग टर्निंग पॉन्ग असेसमेंट एंड चेकिंग फॉर वाइब्रेशन सेंस एनर्जी यूज, कि जो टर्निंग पॉक्स के असेसमेंट और वाइब्रेशन सेंस के चेकिंग और असेसमेंट के लिए जो टर्निंग पॉक यूज की जाती है उसमें कितने हर्ट्स की आवृत्ति या एनर्जी यूज की जाती है। तो ऑप्शन ए 512 हर्ट्स, कुछ कुछ बुक्स में 128 भी दिया है, तो आई थिंक 512 मोर बेटर है और राइट रहेगा। तो राइट आंसर क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इस बार इंग्लिश के चार क्वेश्चन आए थे, तो नॉन टेक के अंदर मैथ रीजनिंग का वेटेज कम हुआ, इंग्लिश के चार क्वेश्चन थे। तो क्वेश्चन देख लीजिए, द केक वाज कट ए सिल्वर नाइफ। अब इंग्लिश कहाँ से पढ़नी, तो इसके लिए भी जो मिशन नॉन टेक बुक है उस न्यू एडिशन में हिंदी इंग्लिश भी ऐड किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दिस केक वाज कट विथ ए सिल्वर नाइफ, सिल्वर नाइफ हो सकता है, नॉर्मल नाइफ हो सकता है, तो आंसर क्या आएगा, विथ के साथ ही आएगा। तो राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, जैसा कि आपको पता है कि G20 समिट हुआ था, इंडिया ने मेजबानी की थी, पहली बार इंडिया में हुआ और 18वां सम्मेलन था। इसके अंदर कौन से देश नहीं, ब्राज़ील आया था, कनाडा आया था, अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं आया। तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी। इस बार इंडिया ने मेजबानी की थी, ध्यान रखना आपको। और ये कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज में दिया था, बुक्स में भी दिया था। इसके रिलेवेंट एक और क्वेश्चंस भी आया था। क्वेश्चंस कौन सा था, कि जो महाराष्ट्र के अंदर जो संभाजी नगर है, छत्रपति संभाजी नगर, वो कौन से सिटी का नाम है, तो औरंगाबाद का। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, औरंगाबाद का जो नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर किया। और इसके अलावा दूसरा जो एक और सिटी है उसके पास में औसंगाबाद का नाम चेंज करके रख दिया धारासिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। यू इंसर्ट ए आई वी कैनुला इन एक्सटेंडेड जुगनू वेन। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट था, लैंग्वेज डिफरेंट थी। आपको भी अगर कोई क्वेश्चन याद आ रहा तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप मैसेज डाल कर सकते हैं, या किसी क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग है तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि जब पेपर बनेगा वहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सके। तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी थी कि आई वी कैनुला लगाने में डिफिकल्टी हो रही थी, तो एक्सटर्नल जुगुलर वेन लगाई, मतलब सेंट्रल लाइन लगाई। तो जो सेंट्रल लाइन के थ्रू जब आप ड्रग इंड्यूस करोगे तो ड्रग का रूट क्या रहेगा, तो जैसे ऐसे क्वेश्चंस में रहता है तो सबसे पहले क्या रहता है, इंट्राजुगुलर वेन के बाद में क्या रहेगा, इंट्राजुगुलर वेन के बाद में सबक्लीन वेन के बाद में क्या रहता है, इंटरनल जुगुलर वेन, ब्रिंकोसेफेलिक्स और वेन, और लास्ट में हार्ट के थ्रू जाता है, एक कंप्लीट पार्ट बनता है। अब इस ऑप्शन में के अंदर क्या बना हुआ है, इंट्राजुगुलर वेन है, सबक्लीन वेन है, ब्रिंकोसेफेलिक वेन है, हार्ट है, इंट्राजुगुलर वेन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि जो हेमरेड्स होता है, हेमरेड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। इसके रिलेवेंट एक और विडाल का भी क्वेश्चन था, कि जो आपके टाइफॉइड के अंदर जो टेस्ट होता है, तो टाइफॉइड के सेकेंड वीक के अंदर जो टेस्ट होता है वो किसके बेस पे होता है, तो विडाल टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। तो देखो नेक्स्ट देखिए, हेमरॉइड्स के लिए जो कन्फर्मेंट टेस्ट क्या होता है, तो राइट आंसर क्या है, सिग्मोइडोस्कोपी। इसके लिए क्या करता है, सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, एक पेशेंट है, शायद अधूरा क्वेश्चन है, अधूरा हो तो आप पूरा कर लीजिए, और पूरा है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
ए पेशेंट हैज रप्चर गॉल ब्लैडर आफ्टर सर्जरी डेवलप पेन एब्डोमन जनरल टेंडरनेस इन द एब्डोमन फीवर इट इज सस्पेक्ट कॉम्प्लिकेशन इज द एक पेशेंट है जिसका गॉल ब्लैडर रप्चर हुआ है और उसके बाद में उसको सर्जरी हुई है। सर्जरी के बाद में उसके जो एब्डोमन के अंदर पेन हो रहा है, इसके अलावा टेंडरनेस हो रही है एब्डोमन में और उसको बुखार भी आ रहा है, तो किसके कॉम्प्लिकेशन है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन अधूरा तो क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट है कि व्हाट यू विल डू टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नॉट सेट के अंदर भी था, इस बार फिर आया है, रिपीट क्वेश्चन है। तो जब भी आपको परक्यूटेनियस नाइट्रोग्लिसरीन अगर आपको एब्जॉर्प्शन करना है या इंसर्ट करना है तो वहाँ पे जो एरी एरिया नहीं होना चाहिए, नॉन एरी एरिया होना चाहिए। तो अप्लाई कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे एरी एरिया नहीं होगा वहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, अप्लाई इन नॉन एरी एरिया। एक और क्वेश्चन था, ये फीमेल है द प्रीएक्लैम्पसिया सी इज रिसीविंग लैबेट्रोल एंड मैग्नीशियम सल्फेट। द नर्स चेक ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट एंड इट इज 86/56। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखो एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रीएक्लैम्पसिया हो रहा है पेशेंट को, और तो उसको प्रीएक्लैम्पसिया के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस किया रहता है मैग्नीशियम सल्फेट रहता है, और साथ में जो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर को प्रेगनेंसी में कम करने के लिए लैबेट्रोल दी जाती है। तो उसको लैबेट्रोल दे दी, उसके बाद में उसका बीपी फॉल होकर 86/56 गया। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकती है? कि जो रीडिंग्स है वो फाल्स है या जो लैबेट्रोल का ऑडेज हो गया, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी है या नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स। तो आई थिंक इसका राइट आंसर रहेगा कि जो ड्रग है ड्रग का ओवरडोज, ओवरडोज में भी स्पेशल किसका ओवरडोज? ये लैबेट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट डेवलप टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर, दिस द कोज ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, ILD। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेप डू द फॉलो इन फीमेल कैथराइजेशन। ये करेक्ट जो भी स्टेप वाइज के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा जो मतलब एरिया को जो क्लीन करता है, क्लीन एरिया भी आया था, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, फ्रंट बैक, ऐसा क्वेश्चन भी आया था जो आपको दिखेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है कि जैसे अगर आपको फीमेल का कैथेटराइजेशन करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हैंड वॉशिंग कर लो, हैंड वॉशिंग के बाद में आपको बिटेनिन से क्लीन कर लो, जो आपके कैथेटर है कैथेटर के ऊपर लिग्नोकेन का जेली लगा दो, फिर इंसर्ट कर लो। इंसर्ट के बाद में यूरिन को एक बार चेक करो, यूरिन आ रहा नहीं आ रहा, अगर यूरिन आता है तो उस जगह पे वहाँ पे फिक्स करने के लिए क्या करोगे, इम्प्लांट कैथेटर अंदर इम्प्लांट कर देंगे। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, अप टू विच एज हाइट ऑफ द चाइल्ड इज मेजर इन द लेइंग डाउन पोजिशन। जैसा कि आपको पता होगा जो बच्चे छोटे होते हैं उनके जो हाइट का मेजरमेंट करते हैं उनको सुला के करते हैं, तो कितने वीक तक, कितने मंथ तक ऐसा किया जाता है? तो 2 साल तक के बच्चों के जो वेट, 2 साल तक के बच्चों की जो हाइट करते हैं वो ऐसे मेजरमेंट करते हैं, 2 साल से ऊपर वालों की जो हाइट मेजरमेंट करेगा उसको खड़ा रख के किया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द बेसल इंसुलिन। इसमें बेसल इंसुलिन कौन सा है? तो वो कौन सा है? डेग्लुटोक। ये लॉन्ग लास्टिंग इंसुलिन है, इसको बेसल इंसुलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग ट्रू अबाउट डी एम पी एक्सेप्ट। इट इज इंजेक्टेबल, बिल्कुल डी एम आई इंजेक्टेबल है। इट इज रिवर्सिबल, नॉट, इट इज इरिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल है। डी एम पी इज रिवर्सिबल, 50 to 45 ईयर तक एज ग्रुप तक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अवेलेबल ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, 15 से 45 ईयर की लेडीज ले सकती है, इंजेक्टेबल होता है लेकिन रिवर्सिबल रहता है। राइट आंसर क्या रहेगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए कि अगर इनपेंट है, इनपेंट के अंदर जब ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो ऑक्सीजन को जब लेवल बढ़ाने के लिए ट्राई करते हैं तो टारगेट लिमिट क्या रहती है? टारगेट लिमिट रहती है 91 से 95%, ए रहेगा, राइट। इसमें भी अगर कुछ क्वेश्चन इंप्रूवमेंट लगता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको भी अगर क्वेश्चन याद आ रहा है तो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, और अगर आप 15 जून के बाद में अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इसके आप कंप्लीट पीडीएफ 4th ऑप्शन के साथ में आपको मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप पे आपको मिल जाएगा। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, मिशन हाई नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए। इसके अलावा नर्सिंग के पूरे पुराने पेपर्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज नॉर्मल बीपी इन एडल्ट। एडल्ट का नॉर्मल बीपी कितना रहता है? 120/80 mm ऑफ एचजी, और अगर उसमें बोला जाए प्रेशर के अंदर तो 16/11 kPa। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 1-year-old टोल्डर डेवलप सिम्टम लाइक द माइल्ड टेंडरनेस एंड इंजेक्शन साइट मेलेज एंड माइल्ड फीवर एंड डिसकम्फर्ट फॉलोइंग डिपीटी इमिटेशन। व्हाट वुड बी द टीचिंग प्लान फॉर दिस मदर्स। एक साल का बच्चा है, उसको डिपीटी वैक्सीनेशन दिया जाता है, वैक्सीनेशन के बाद में उसको इंजेक्शन साइट पे कुछ टेंडरनेस आ रही है, उसके साथ में माइल्ड फीवर भी है, मेलेज भी है और डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो डिपीटी वैक्सीनेशन के बाद में हो रहा, तो जो टीचिंग प्लान बनता है तो मदर क्या बोलेगी, मदर को क्या बोला जाता है? इट इज अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, बिल्कुल। तो डिले फॉर नेक्स्ट इमिटेशन प्रोसेस, डिले फॉर नेक्स्ट इमिनाइजेशन प्रोसेस, कि जो अगला इमिनाइजेशन जो प्रोसेस रहेगा उसको डिले करना है, कि जो ये सभी फीचर है इसको देखते हुए
बच्चे को डायरेक्ट इमरजेंसी रूम में लेके जाना चाहिए या माइल्ड ट्रेक्शन एंड मैनेज एट होम। तो इसके अंदर अपने को जनरल क्या करता है, ये माइल्ड ट्रेक्शन रहती है और उसको होम के अपने घर पे कैसे मैनेज करना है वो टीचिंग करवाया जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हेन इंस्पेक्टिंग कार्डियोवैस्कुलर क्लाइंट द नर्स नोट दैट नीड टू सिट अपराइट टू ब्रेथ द बिहेवियर इज मोस्ट इंडिकेटिव। अपराइट पोजिशन के अंदर हो रहा है मतलब ऑर्थोपनिया हो रहा है और ऑर्थोपनिया की में किसके कॉमन साइन है, कंजक्टिव हार्ट फेलियर, CSF। राइट आंसर क्या रहेगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इज सेइंग हे पे ले मे इट इज एग्जाम्पल ऑफ द, तो राइट आंसर क्या है, क्लेंग एसोसिएशन के अंदर ऐसा रहता है कि पेशेंट शॉर्ट वर्ड यूज करता है, हे पे गे ऐसा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट इज सडन कार्डिक अरेस्ट, फाइंड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या रहेगा, एक पेशेंट है उसका जो कार्डिक अरेस्ट हुआ सडनली तो उसके लिए फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या रहेगा, कोई भी पेशेंट है तो सबसे पहले उसको क्या करना है, कैरोटिड आर्टरी से पल्स चेक करना है, अगर पल्स प्रॉपरली नहीं है तो उसके लिए फिर आप CPR के लिए आगे की प्रोसेस के लिए जा सकते हैं, कॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियसनेस से वो भी पल्स देखने के बाद ही आप बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट वर द नर्स एजुकेटेड मदर हु इज ब्रेस्ट फीडिंग हर चाइल्ड, एक माँ है जो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग पिला रही है लेकिन कितना पिलाना चाहिए, एवरी 3 आवर में ब्रेस्ट फीडिंग पिलाना चाहिए, वैन बेबी क्राई, एवरी 6 आवर में, वैन बेबी स्लीप। तो जनरली जो भी रहता है टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता है, अनुमानित ऐसा रहता है 6 to 8 times इन पर डे, बट जब भी बच्चा रोता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए, मतलब उसको भूख लग रही है इसलिए रो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड हैज अ लोअर रिस्क ऑफ द सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, ऑप्शन इज चाइल्ड लाइंग ऑन बैक, चाइल्ड लाइंग प्रोन, साइड स्लीपिंग, चाइल्ड लाइन इज हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस चाइल्ड एज सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये दोस्तों और क्वेश्चंस थे, अभी पार्ट 3 भी आएगा, कट ऑफ की वीडियो अलग से आएगी, तो आप मिशन है नर्सिंग नोट्स ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हो तो बुक परचेस कर सकते हो, और आपके एग्जाम के टाइम में मॉक टेस्ट के लिए मिशन है नर्सिंग वेबसाइट www.missionhainursing.com पे जाके आप एवरी फ्राइडे को फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर्स। दिनों दिन नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स का सिलेबस बदलता जा रहा है जिसकी वजह से नर्सिंग कंपटीशन बोर्ड ठप हो गया है, और अभी तक मार्केट में ऐसी कोई सिंगल बुक नहीं है जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करे। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मिशन आई लेकर आया है 5 बुक्स का कॉम्बो पैक जो आपके नोट सेट और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। मिशन परिचारिका जिसमें ओल्ड नर्सिंग सब्जेक्ट्स की कंप्लीट थ्योरी है, मिशन ओल्ड पेपर जिसमें 2015 से लेकर 2023 तक के 130 से भी ज्यादा ओल्ड पेपर्स का विद सॉल्यूशन के साथ में है, जिसमें नॉर्थ सेट 2022, 2021 और 2020 दोनों शिफ्ट के पेपर विद आंसर विद 4 ऑप्शन के साथ में शामिल है, मिशन नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए, और मिशन नॉर्थ सेट बूस्टर है जिसमें आपको 25 मॉडल पेपर मिलेंगे जो आप अपनी नॉर्थ सेट प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं कम समय में, नॉर्थ सेट चैंपियन जिसमें आपको ओनली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो नॉर्थ सेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट करके आप नॉर्थ सेट या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट ही ज्वाइन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही हमारी वेबसाइट विजिट करें और 5 बुक्स का कॉम्बो पैक या सिंगल बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी नॉर्थ सेट प्रिपरेशन या किसी भी नर्सिंग ऑफिसर प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। अब होगी घर से ही तैयारी सिलेक्शन वाली।